एक दबी हुई आग की वो नफरत भरी निगाह, चेहरे पर वो डरावने भाव और जुबा पर बहू को कोसते हुए वो कर्कश अल्फाज, अरे ओ कलमुही। यही थी ललिता पवार की अदाकारी की वो अदाएं जिसने उन्हें बॉलीवुड में सबसे ज्यादा क्रूर सास होने की पहचान दिलाई। हालांकि ललिता पवार के दौर के बाद भी अरुणा ईरानी और बिंदु ने हिंदी फिल्मों में जुर्मी सास के किरदार की कमान बखूबी संभाली, लेकिन वे ललिता पवार के आगे कमतर ही साबित हुई। जिस शिद्दत से ललिता पवार ने इस इमेज में खुद को ढाला, वो भारतीय सिनेमा में मील का पत्थर साबित हुआ। 18 अप्रैल 1916 को नासिक में जन्मी ललिता पवार को 11 बरस की उम्र में एक बार पिता और छोटे भाई के साथ पुणे जाने का मौका मिला। यहाँ वे आर्यन फिल्म कंपनी के स्टूडियो में एक फिल्म की शूटिंग देखने गई। वहाँ निर्देशक नाना साहब सर पोद्दार की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने ललिता को फिल्मों में बाल भूमिकाएं करने का ऑफर दिया। पिता पहले राजी नहीं थे, लेकिन बाद में मान गए। कंपनी ने उन्हें 18 रुपए की मासिक सैलरी पर नौकरी दे दी। साल 1927 में बतौर बाल कलाकार ललिता की पहली फिल्म एक साइलेंट फिल्म थी, जिसका नाम था पतित उद्धार। ललिता ने इस कंपनी के करीब 20 फिल्मों में काम करने के बाद नौकरी छोड़ दी और बाहर की फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। ललिता पवार ने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों के बीच एक अलग पहचान बनाई। अपने 60 साल से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने 700 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिनमें हिंदी, मराठी और गुजराती फिल्में शामिल हैं। 1931 में आलम आरा के रिलीज के साथ साइलेंट फिल्मों का दौर खत्म हुआ और फिल्मों को आवाज मिल गई। बोलती फिल्मों के उस शुरुआती दौर में कलाकारों को अपने गीत खुद गाने पड़ते थे। ललिता पवार अच्छी गायिका थी तो इसका फायदा उन्हें मिला। उन्होंने कई फिल्मों में गाना गाए जो काफी मशहूर हुए। इसके अलावा ललिता पवार ने सन 1932 में मस्ती खोर माशूक, भवानी तलवार, कैलाश और 1933 में प्यारी कटार, जलता जिगर, नेक दोस्त, 1934 में कातिल कटार जैसी फिल्मों में हीरोइन के तौर पर लीड रोल निभाकर काफी शोहरत हासिल की। ललिता हीरोइन बनने के अपने सपने को बखूबी जी रही थी, लेकिन उनका यह सपना एक हादसे की वजह से चकनाचूर हो गया। बात साल 1942 की है। जंगे आजादी फिल्म की शूटिंग चल रही। फिल्म के एक सीन में भगवान दादा को ललिता पवार को एक थप्पड़ मारना था। भगवान दादा से दूरी का सही अंदाजा लगा पाने में अचूक हुई और उन्होंने दुर्घटनावश ललिता पवार को इतनी तेज थप्पड़ मार दिया कि वो जमीन पर गिर पड़ी। उनकी बाईं आंख की एक नस फट गई। यहीं से उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। इस हादसे की वजह से उनके शरीर के बाएं हिस्से में लकवा मार गया। 3 साल तक उनका इलाज चला। वे ठीक तो हो गई, लेकिन उनकी बाईं आंख हमेशा के लिए दब गई। इसके बाद उन्हें फिल्मों में हीरोइन का रोल मिलना बंद हो गया और उनका करियर स्टीरियोटाइप किरदारों के लिए सीमित हो गया। हादसे से उबरने के बाद ललिता पवार की दबी हुई आंख की उनकी सबसे प्रमुख और यादगार खासियत बन गई और उन्होंने इसी के बलबूते फिल्मों में बेहतरीन करेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर पांव जमा लिया। अनाड़ी, श्री 420, प्रोफेसर, मैम दीदी, औरत और मिस्टर एंड मिसेस 55 जैसी फिल्मों में यादगार काम किया। ललिता ने टीवी पर भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। जब उन्होंने रामानंद सागर की रामायण में मंथरा का जबरदस्त अभिनय किया। 700 से ज्यादा फिल्मों में जिसने सबका मनोरंजन किया, उसे अपने आखिरी पलों में किसी का साथ नसीब नहीं हुआ। 24 फरवरी 1998 को ललिता पवार ने पुणे में अपने घर में अकेले रहते हुए दुनिया से अलविदा ले ली। उस समय उनके पति राज प्रकाश अस्पताल में भर्ती थे और बेटा अपने परिवार के साथ मुंबई में था। उनकी मौत की खबर 3 दिन बाद मिली जब बेटे ने फोन किया और किसी ने उठाया नहीं। घर का दरवाजा तोड़ने पर पुलिस को ललिता पवार की 3 दिन पुरानी डेड बॉडी मिली।